हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए दो ट्रेड्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाएगी। ध्यान से समझना, बॉटम पकड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करोगे। आज की बात करूँ, आज निफ्टी में अच्छा खासा मूव था, सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मूव था, लेकिन उसके अलावा रिवर्सल की बात जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बात बताई आपको, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अभी जो ये दो स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार आज इंट्राडे में तो कमाई हुई भी, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपके लिए बहुत ही, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन अब आपको अलग अलग स्टॉक्स में अगर मार्केट अप जाता है तो देखने को मिलेगा। तो आपको यही सिचुएशन समझनी है और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब एंट्री करें, कब एंट्री करें। उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एंट्री कब करनी है, और अगर इस एक पॉइंट को आप सीख जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस एग्जाम्पल के साथ साथ। चलिए सीधे लेके चलता हूं आपको इस स्टॉक की तरफ। पहले इस स्टॉक कोई और नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी अपने ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है, जो बॉटम बना था वो पार हो चुका है। इससे आपको काफी सीख मिलेगी, काफी समझ मिलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, लगातार मार्केट में गिरावट थी, नो डाउट। 13 मार्च को ये भी गिरा था, जंप आया था, हाई बनाया था, फिर से गिरा था, देखिए धीरे धीरे करके, लेकिन हाई को पार नहीं कर पाया था। यहाँ पे इसने लो बनाया था। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कह रहा था कि आपको बॉटम आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो करना है ट्रेंड का रिवर्सल कब हुआ कि नहीं हुआ। आज की डेट में भी इंट्राडे में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत ही जबरदस्त कमाई करके दी, उसकी बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ट्रेंड के रिवर्सल की। जैसे कि आपने मेरा पुराना वीडियो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखा था और मैंने वहां पे एक क्रिटिकल लेवल सेट किया था, क्योंकि इस स्टॉक ने ऑलरेडी हायर लो यहां पे बना दिया था। हम यहां पे बहुत ही बेसिक रूल के साथ चलते हैं, कोई इंडिकेटर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हायर लो इसने बना दिया था, लेकिन इस हाई को ये पार नहीं कर पाया था, पिछले हाई को। इसीलिए मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि इस रेंज को पार करना जरूरी है, और अच्छा हो जाए अगर इस रेंज को भी 2100 के लेवल को भी पार कर दे। आप पुराने वीडियो को देख सकते हो अगर आपको रेफर करना है चीजों को ये, क्योंकि यहां पे जैसे ही ये देखिए ये हाई बना, हाई बनाने के बाद हायर लो हमारे पास बना, और इस लाइन को पार करते ही इसने एक हायर हाई बना दिया, जो कि काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट था, काफी पॉजिटिविटी वाली बात थी। इसको पार करते ही स्टॉक में बहुत तेजी आई और 2250 के आसपास ये गया। लेकिन अब कभी भी इंपल्स में एंट्री नहीं ली जा सकती है, काफी टफ होता है। या तो आप करेक्टिव का इंतजार कीजिए या मौका ढूंढिए। आज की डेट में ये करेक्टिव का इंतजार में कह रहे थे कि ये करेक्टिव बनेगा, और वो लो बना, जो प्रीवियस रेंज के आसपास इसने कंसोलिडेशन दिखाई थी वहीं पे आकर ये स्टॉक आज से पहले 2100 की रेंज में रुका था। ये इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी में अभी पॉजिटिविटी जो देखने को मिल रही है वो पॉजिटिविटी तब तक, क्योंकि अभी हमारे पास क्या होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर इस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो देखता नहीं है कि अगर मैं एंट्री करूंगा तो मेरे पास स्टॉप लॉस क्या होगा। क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी सोच रहे हो, तो एटलीस्ट अपना एक मिनिमम, अगर इससे नीचे गिरेगा तो फिर से गिरावट आ सकती है, वो वाली सिचुएशन, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी काफी वॉलेटाइल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, देखिए 2100 का हमारे पास स्टॉप लॉस आ गया था, और ये करेक्टिव रिजॉल्व कब हुआ वो इंपॉर्टेंट बात होती है। वो आज की डेट में ये करेक्टिव रिजॉल्व हुआ है, और अगर मैं देखूं यहां पे रिजॉल्यूशन करेक्टिव का, वो ये मिला है 2175 के आसपास, यानी कि जो रिजॉल्यूशन है वो आज हो चुका था, और उसके बाद देखिए कैसे पॉजिटिविटी देखने को मिली है। 100 रुपए का जंप जरूर आया है। अब मैं इसमें कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहां पे उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे देखना है। ये ट्रेंड रिवर्सल आपका जो है बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल था, जिसमें पहले हायर लो बना और फिर यहां पे हायर हाई बनता हुआ दिखा, लेकिन एंट्री मैंने आपको पहले भी कहा था आपको बॉटम ढूंढने की जरूरत नहीं है, एंट्री के पॉइंट्स आपको बढ़िया वाले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको बस करेक्टिव का इंतजार करना है। ये करेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्टिव मतलब आप देखिए इस तरीके से मान के चलिए, ये इंपल्स है, ये करेक्टिव है, आपको इस करेक्टिव को देखना है और इसका रिजोल्यूशन का वेट करना है। और जो मेंबर्स है उनके लिए खासकर आप देखिए इस चीज को समझिए, जो मैंने आपको करेक्टिव की बात कही है, जो मैंने आपको लायंस अटैक वाली थिंग्स बताई है, जो मैंने आपको सिंपल वन स्टेज करेक्शन की बात बताई है, उनको देखिए, वो अब जाके आपके काम आएंगे, बहुत ही ज्यादातर काम आएंगे और माला माल करने के आपके काम आएंगे। आप ये देखिए इस लेवल को देखिए, यही आपके पास एवरेजिंग का टाइम एंड ऑल सारी चीजें आती है, और इस स्टॉक ने जो सबसे अच्छी बात ये दिखी कि हायर लो यहां पे बन गया था, हायर हाई यहां पे बन चुका था, उसके बाद आप कभी भी इसमें एंट्री धीरे धीरे करके बना सकते थे। ये इंपॉर्टेंट बात मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पहले ही कह रहा था, लेकिन आज की इंपॉर्टेंट बात मैं आज की ट्रेड के बारे में आपको जो दिखाना चाहता हूं वो देखिए। एक और अच्छी बात यह है कि हम लोग इंट्राडे में जब चीजें देखते हैं या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो एक ब्रेकआउट की चीजें देखते हैं। अगर मैं ब्रेकआउट की बात करता हूं तो कल 30 मार्च को ये आवरली ब्रेकआउट, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में कई सारे ब्रेकआउट थे,
पहला ये ब्रेकआउट, दूसरी ये रेंज पूरी की पूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज थी, और साथ के साथ ये वाली अपर रेंज, ये बहुत सारे ब्रेकआउट्स आज थे, लेकिन मेजर ब्रेकआउट अगर मैं देखूं तो ये ब्रेकआउट आज की डेट पे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को अगर मैं यहाँ पे मंथली डेली वीकली पे भी देखूं, अभी भी देखिए ये उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे ये पूरा का पूरा मान के चले वीकली और मंथली, जहां से गिरना शुरू हुआ था वहीं पे वापस पहुंच चुका है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी वहीं पे वापस पहुंच चुका है, सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है, और बाइंग खूब इसमें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि लोग पैसा निकाल के सब इसी में ही लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि 2008 में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ नहीं हुआ था, और आज की डेट में भी वही सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल रही है, तो जरा समझे इस चीज को और ध्यान से समझे। अब आज की डेट की कमाई की मैं बात करते हैं भाई, कैसे इंट्राडे में आज जो है चीजें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली। जैसे कि आपने देखा आज सुबह सुबह मार्केट बहुत ही तेजी से गैप अप के साथ साथ नीचे गिरी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिविटी जो आई वो काफी इंपॉर्टेंट थी। आप देख सकते हो ये पॉइंट जो था जो मैं आपको दिखा रहा था आवरली पे, वो एक मेजर लेवल था आज की डेट में, उसी के पास मार्केट जाके नीचे गिरी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई। और साथ में वो लोग जो आप लायंस अटैक कैंडल की बात कर रहे हो, वो देखिए कितने सारे कैंडल्स आज आपको मिले हैं, देखिए ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ग्रैब कर रखी होगी, मेंबर्स लोगों से कह रहा हूं कि भाई उम्मीद कर रहा हूं आपने ये अपॉर्चुनिटीज आज ग्रैब की होंगी, लेकिन आपको मैं अगर दिखाऊं यहां पे ये 15 मिनट के साथ साथ में 5 मिनट के कैंडल को भी आपको दिखाना चाहूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में कि किस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया। 15 मिनट और 5 मिनट देखिए, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, 5 मिनट की कैंडल को अगर मैं देखूं, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, मूविंग एवरेजेस आपके लिए काफी वरदान साबित होते हैं। मूविंग एवरेजेस वरदान साबित मींस आपको वो बताते हैं कि कहां पे मुझे बियरिश जॉइंट देखने को मिलेगा। सुबह से चलते हैं आज की डेट में, सुबह के 15 मिनट मार्केट धड़ाम से गिरी, कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये लेवल जो है 2210 का वो क्रॉस होना चाहिए, और मैंने यहां पे देखा कि ये लेवल इसको टच किया फिर नीचे आया। लेकिन मैं फिर से वो बात कहूंगा, ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ब्रेकआउट के लिए कुछ चीजें हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद जो है पुल बैक होना, देखिए यहां पे जाके ये क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन नहीं, हमको एक पुल बैक चाहिए था, वापसी चाहिए थी। और जैसे कि आपने देखा कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है 20 EMA की लाइन है, ये 20 EMA की लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन मैं कहूंगा इसको, और आप देख सकते हो कि जब जो ट्रेंड है वो फास्ट होता है तो जनरली स्टॉक इसके आसपास सपोर्ट लिया करता है, और इसके आसपास बहुत ही बार मुझे आज की डेट में बुलिश जॉइंट देखने को मिले। ये देखिए पहले यहां पे तो एंट्री ली नहीं, लेकिन इस जॉइंट को देखने के बाद इसने इसका सपोर्ट लिया, एंट्री का मौका मिला ऑलमोस्ट 2215 के आसपास, एंट्री का पहला मौका देखिए, फिर एक हॉल्ट अगर आप आवरली पे देखोगे, और फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत ही बढ़िया एंट्री तब लेनी है जब आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई दिखे, रिजॉल्व होती हुई चीजें यहाँ पे दिखी, फिर एंट्री, फिर बहुत ही बढ़िया मौका, उसके बाद तीसरी बार फिर से मौका आया, बुलिश जॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, एंट्री कब लेनी है जब चीजें रिजॉल्व होती हुई दिखे, मतलब इस रेंज में एंट्री, और फिर से मौका दिखा, और ये देखिए कई बार ये वापस आते रहा, लेकिन अगर देखें लास्ट में आते आते पता है कि शाम होने वाली है, अब जो लास्ट के 15-20 मिनट में लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे चीजें, तो अपना निकल ही लो 3 बजे से पहले, यानी कि 2290-2280 के आसपास ये एग्जिट का टाइम। देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को बेस बना के, जॉइंट्स को बेस बना के, और आपने लायंस अटैक कैंडल की चीजों को देख के किस तरीके से समझा, वही चीज आज हमने देखने को मिली कोल इंडिया के शेयर्स में। कोल इंडिया के शेयर में अगर मैं देखूं, कल की डेट में प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था और आज उस प्लेटफॉर्म को जो है यूज करना था। अब आप कहोगे कैसा प्लेटफॉर्म, देखिए ब्रेकआउट का प्लेटफॉर्म, मैं आपको बार बार कहता हूं ब्रेकआउट का प्लेटफॉर्म जो हमारे पास सेट था वो ऑलमोस्ट 134 का लेवल था, कि 134 पे आज की डेट में मौका जरूर मिल सकता है, और अगर ये लेवल पार हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ही कम इसमें था, ये देखिए ये स्टॉप लॉस था, काफी कम रिस्क के साथ बढ़िया गेन की पॉसिबिलिटी थी, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो आज देखने को मिला। ये आवरली चार्ट था, आवरली को छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, और 134 का लेवल जो ये मैं आपको बता रहा था वो ये लेवल था, और आज की डेट में जब मार्केट जंप हुई सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह कोई एंटर तो कर नहीं सकता, मार्केट इसको क्रॉस कर गई, लेकिन हमने किस चीज का इंतजार करना, करेक्टिव का इंतजार, और यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने हमको और अच्छी सी चीजें बताई। सुबह सुबह 9 बजे चलते हैं और देखिए जंप हुआ पीक पे, 137 पे पहुंच गया, देखिए फिर वापस नीचे आया, और आप सिमिलर स्ट्रक्चर वही चीज आप यहां पे भी देख सकते हो कि 20 EMA कितना सपोर्टिव है, 20 EMA बुलिश जॉइंट, एंट्री यहां पे नहीं लेनी चाहिए, रिजॉल्व होने के बाद एंट्री लेनी है, यानी कि ये पॉइंट था 136 का, पहला मौका 136 पे मिला
और सीधे स्टॉक गया आपका 140 पे, बढ़िया। उसके बाद दूसरा मौका यहाँ पे रिजॉल्व होने के बाद, देखिए रिजॉल्व कहाँ पे हुआ, जब ये बुलिश ज्वाइंट रिजॉल्व हुआ ऑलमोस्ट 138 पे, देखिए कहाँ तक गया है 142 तक। एक छोटा सा स्टॉक आपको अगर इतना रिटर्न दे सकता है एक पर्टिकुलर इंट्राडे में, अब आप कहोगे एग्जिट कब गया, देखिए एग्जिट करने का वही टाइम है 2:45-3 बजे के आसपास, निकल लो भाई बाकी टाइम पे, तो बाकी सारे लोग निकलेंगे, थोड़ा लेट निकलेंगे, आप पहले ही निकल लो और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इसमें करेक्शन आई है। तो इस तरीके से चीजों को अगर आप समझोगे तो आप पैसा, क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना है स्टॉप लॉस। अब कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जब एंट्री की गई तो हमारे पास ये लेवल था ऑलमोस्ट 136 का, स्टॉप लॉस कहां पे था, स्टॉप लॉस बिल्कुल रेडी 135.70 पे, मतलब एक रुपए के स्टॉप लॉस पे आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा पॉजिटिविटी। अगले गेन को अगर मैं देखता हूं यहां पे, देखिए स्टॉप लॉस रेडी बिल्कुल 137.90 का स्टॉप लॉस और एंट्री का पॉइंट 138.58। तो इन चीजों को जब आप समझोगे तो आप कहोगे अरे वाह ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन ये बहुत ईजी तब आपको लगेंगे जब आप डे टू डे बेसिस पे 200-300 चार्ट को देखें, समझे कि क्या कैसे मौका मिल रहा है, कहां पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कहां पे पॉजिटिविटी है, कब एंट्री ले, क्या करेक्टिव है, क्या इंपल्स है, किस तरीके से मेरे को चीजों को देखना है, ब्रेकआउट कैसे देखना है, वो चीज आप तभी समझोगे जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।